हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपनी कोई भी पिक्चर को, जेपैक फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो अपने आईफोन में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन के अंदर। यह आपकी एप्लीकेशन बिल्ट इन होती है आपके आईफोन के अंदर, और यहाँ पर आके आपको कोई भी एक फ़ोटो को चूज़ कर लेना है। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, सिंपल हम उसको जो है ओपन करेंगे। सिंपल यहाँ पर अभी हमारे सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रीनशॉट मौजूद है। सिंपल अब हम इसको एक फाइल्स के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे पीडीएफ की फॉर्म में। सिंपल हमें फ़ोटो के ऊपर टैप करना है, डाउन लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास शेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें टैप करना है, स्क्रॉल अप करना है, और यहाँ पर आपके सामने एक प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, प्रिंट का। ठीक है दोस्तों, सिंपल आपको प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। टॉप राइट कॉर्नर में आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आएगा, सिंपल आपको प्रिंट के ऊपर टैप करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। सेव टू फाइल्स का आपके सामने ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर टैप करके टॉप राइट कॉर्नर में सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कर देना है। और यहाँ से की बोथ रिप्लेस या फिर स्टॉप भी कर सकते हो आप लोग, हम रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से यहाँ पर सेव है, और ये आपकी पीडीएफ की फॉर्म में आपके फाइल्स के अंदर सेव हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।